ना जाने क्यों इसकी माँ हर बार परेशान रहती है। यही यही बात तो हम सब जानना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह में कि आप रोटियां झाड़ू लगाने आ जाते हैं? अरे बेटी छोड़ो, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। पापा मैं जानती हूँ इस जगह में जरूर कोई इलाज है, आज तो आपको पता नहीं होगा। अरे बेटी बताया ना कुछ नहीं है। जी सके आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके।
مالی کو مزدور کر نوکرو حضور کر فرق کو مٹائیں گے سمانتا کو لائیں گے مدت کو سماج کے سلجھانے کا خواب ہے ہم وہ انقلاب ہے ظلم کا جواب ہے مدت مدت مت کر بیٹے چاند پہ بجاؤں گا بنا مدت کے ہی دے جھٹا ہمارے تمام مزدور بند کرو یہ کی فیکٹری کے ہمارے تجھے ایک بار میں سمجھ نہیں آتی سلطان میں کافی تو نہیں ہوں میں ناٹکوں میں کوئی نقص کافی اچھی پرفارمنس تھی تھوڑی بہت انرجی میں کمی تھی بٹ اٹ واز ریئلی گڈ تھینک یو میم یہ ناٹک مزدور کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے اور یہ ہوتا رہے گا اور میں بھی دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے یہ ناٹک کیسے ہوتا ہے جیسی تمہاری مرضی سب گرمیا اس چننی پر بڑا گھمنڈ ہوگا تمہیں رک چاہتا ہوں کیا ہم اپنی پہچان سے واقف ہیں
मजबूत और अपनी ताकत से रूबरू। Oh my God. Hey, तू पब्लिक परफॉर्मेंस
जाते हैं। मगर डेढ़ लड़के तो भाई की दीवानी है ना। अबे बारह दिन असर के माना कि 1.5 लाख लड़कियों की तो तेरे पास है, पर हर कंपटीशन का पैसा तो मेरी जेब में है। आपको नहीं लगता क्यों ना हम कंपटीशन करें अपने मुद्दों को सुलझाने का, जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं उनसे पीड़ित लोगों की मदद करने का। इस कंपटीशन में आता है असली मजा, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में मदद लेने वालों की कमी नहीं, मदद करने वालों की है। अब ये छोड़, तूने ऐसे सामाजिक मुद्दों में किया क्या है? देख मैंने तो कुछ नहीं करा, पर तू क्या करता है? क्या हम लोग जो हर दिन किसी कॉलेज में नाटक करते हैं,
ऊपर का वहां नाटक करते हैं कि जो लोग उस कुत्ते से पीड़ित है क्या उनकी मदद हो पाती है, तो उस नाटक को दर्शाने का फायदा ही क्या जो हमारी टारगेट ऑडियंस में हो। आप लोग जरा सोच के देखिए कि हम कितने पैसे अपने नाटक को बनाने में लगाते हैं, मगर इसका आधा पैसा भी हम अपने नाटक को पहुंचाने में लगाए तो शायद जिंदगी बदल सकती है। एक मिनट बेटा, भैया आपको 5000 वाला चेक भी दिखा रहे थे। हाँ भैया, ये रख लीजिए और वो दे दीजिए और बचे 3000 रुपए। शुक्रिया बेटा। बेटा हम तुम्हारे लिए एक नाटक का आयोजन कर रहे हैं जिसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और खाने को भी। आओ। दिल्ली थिएटर सर्किट एक परिवार है जिसमें कुछ 70 टीमें और लगभग 2000 लोग हैं। हम अपनी ताकत एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, एक दूसरे के खिलाफ। उसी ताकत को एकजुट करने के लिए हमने एक शुरुआत की है। उस शुरुआत का नाम है कुहार। कुहार एक फेसबुक पेज जहाँ तमाम एनजीओज और संस्थाओं के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपका कोई दोस्त या कोई जान पहचान का आदमी जो नुक्कड़ नाटक करता है, आप उन्हें बता सकते हैं कि वो लोग वहाँ जा सकते हैं और उन एनजीओज और संस्थाओं से जुड़ सकते हैं और अपनी बात सही जगह और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रख सकते हैं। देखिए बंदी काका सफदर भाई का